हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपकी सना खान। काफी दिनों के बाद मैं लेकर आई हूं एक बहुत ही अमेजिंग वीडियोस। और इतने दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो आज की जो रेमेडीज है वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप रफ वार से डैमेज बालों से परेशान हैं, या आपके बाल दो मुंह हो जाते हैं, या बालों में आपकी शाइनिंग नहीं है, तो ये रेमेडी आपके बालों में शाइनिंग लाएगी, आपके बालों को सॉफ्ट करेगी, डैमेज बालों को रिपेयर करेगी। बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक बनाना लेना है। बनाना आपको इजिली कहीं भी शॉप मिल जाता है, आपको इसे लेने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी इंग्रेडिएंट है वो आपको पास की एरिया में ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एक बनाना लेके मिक्सी जार में डाल दें। उसके बाद यहाँ पे अरंड ऑयल लेना है। अरंड ऑयल बालों को सॉफ्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा ये आपके हेयरफॉल को भी कंट्रोल करता है, आपके बालों की जो रूट है जो कमजोर हो चुकी है उसको स्ट्रांग करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप कंघी करते हैं आपके बाल कंघी में बहुत ईजिली आ जाते हैं, रूट के साथ भी आ जाते हैं। तो ये जो उस रूट को मजबूत करता है जिससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल होता है, इसमें ओमेगा 3 होता है जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है फ्रेश एलोवेरा जेल। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने मार्केट वाला यूज करा है, पर मैं आपको राय दूंगी आप मार्केट वाला बिल्कुल भी यूज ना करें, आप फ्रेश वाला यूज करें। फ्रेश वाले का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पे विटामिन ई ऑयल लेना है, उसको मिक्सी जार में डाल के अच्छे से इसका फाइन पेस्ट बना लेना है जिस तरह मैंने बनाया है। ये देखिए, ये फाइन पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये हेयर मास्क बिल्कुल रेडी है के बालों में लगने के लिए। अब आपको इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है कि आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिले और बहुत ही जल्दी मिले। सबसे पहले आपको अपने बालों को क्लीन रखना है, आपको इसे क्लीन बालों में यूज करना है। आपके बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए कैसा भी। अगर आपके बाल बिना ऑयल के सिंपल से धुले हुए वॉश करे हुए हैं, उसके बाद इसे अपने बालों में, रूट में और बालों की लेंथ में अच्छे से लगाएं। जिस तरह पार्लर में आपने देखा है हेयर स्मूथिंग कराते हैं तो बालों की रट में किस तरीके से बालों को अच्छे से लगाया जाता है, सेम उसी प्रोसेस से इसको लगाएं। अगर आपके बालों की लेंथ बहुत ज्यादा है तो आप इस बनाना को डबल कर सकते हैं, ऑयल को डबल कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी को डबल करके यूज करें, ये ज्यादा पेस्ट बन जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करें और इसको 20 मिनट तक अपने बालों में लगे रहने दें, उसके बाद देन आप वॉश कर दें। जब आप इसे वॉश करेंगे फर्स्ट वॉश में ही आपको लगेगा आपके बालों में काफी शाइनिंग है और आपके बाल काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं पहले से, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो इसका इस्तेमाल करें और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला।